अदा शर्मा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मॉडल है, जो कि तेलुगु तमिल कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम किया है। इनके द्वारा इन इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। अपने करियर की ज्यादातर फिल्में इन्होंने सुपरहिट दी है। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टीवी सीरियल वेब सीरीज में भी काम किया है। इनको तेलुगु तमिल सभी इंडस्ट्री में काफी पसंद किया गया है। अदा शर्मा फिल्म इंडस्ट्री में 2008 से काम कर रही है। इनके द्वारा सबसे पहली फिल्म 1920 थी, जिनमें की ये मुख्य किरदार में थी। अगर आप भी अदा शर्मा बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अदा शर्मा का जीवन परिचय से संपूर्ण जानकारी बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वर्तमान समय में अदा शर्मा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि इनकी फिल्म द केरल स्टोरी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। यह फिल्म बहुत ही ज्यादा विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि जो यह फिल्म है इसमें धर्म तथा हिंदू मुस्लिम जैसे कंटेंट को दिखाया गया है, लेकिन फिर भी अदा शर्मा के काम को इसे बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। 11 मई 1992 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक मध्यवर्गीय तमिल हिंदू ब्राह्मण परिवार में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम SS शर्मा था, जो कि मजेंट नेवी में कप्तान थे या अब इस दुनिया में नहीं है, तथा इनकी माता जी का नाम शीला शर्मा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शास्त्रीय डांसर है। यह माता पिता की इकलौती वारिस है। अदा शर्मा की मां मलयाली तथा पिता तमिल है। इनके जन्म से पहले अदा शर्मा के माता पिता मुंबई में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मूल रूप से इनका परिवार केलर के पल्लक्कड़ के रहने वाले हैं। अदा शर्मा की शिक्षा की बात करें तो अदा शर्मा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ओलिक्सम कन्वेंट हाई स्कूल बांद्रा से पूरी की थी। दसवीं उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि वह एक्ट्रेस बनेगी, इसीलिए तो ये आगे की पढ़ाई को छोड़ना चाहती थी। लेकिन इनके माता और पिता के सलाह के बाद इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई को जारी रखा, और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया और सारा ध्यान अपने फिल्म करियर के तरफ देने लग गई। 12वीं बाद इन्होंने नटराज गोपी TVS के कथक नृत्य विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला लिया, जहाँ की इन्होंने कथक में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अगर इनकी फिल्म करियर की बात करें तो साल 2008 में एक हीरो फिल्म 1920 से अदा शर्मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें कि इन्होंने लीसा सिंह राठौर की भूमिका निभाई थी, जो कि फिल्म में एक मुख्य किरदार थी। इनके अभिनय को दर्शक द्वारा बहुत ही सराहा गया, जिससे कि इनकी पहली फिल्म इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई थी। इसके बाद इन्होंने कमांडो 2, हसी तो फसी, कमांडो 3 तथा और भी कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2014 में इन्होंने हार्ट अटैक फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू किया। इसमें इन्होंने हयाती की मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री से काफी ज्यादा हिट गई थी, जिसके कारण इनकी अच्छी खासी पहचान तेलुगु इंडस्ट्री में भी हो गई। इसके बाद इन्होंने कई सारे फिल्मों में भी काम किया। वर्तमान समय में अदा शर्मा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि इनकी फिल्म द केरल स्टोरी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, और यह फिल्म बहुत ही ज्यादा विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि जो यह फिल्म है इसमें धर्म और हिंदू जैसे कंटेंट को दिखाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।